सिपाह रूमी अल हसनी सज्जादा अल मुनैमिया जिंदाबाद जिंदाबाद नारे तकबीर अल्लाह हू अकबर नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين آمنت بالله ورسوله وصدق الله المولانا العظيم। इससे कबल के इस मुतबर्रक खानकाह में इस बाबरकत मौके पर कुछ अर्ज करने की जसारत हिम्मत और जुरत की जाए, आइए हम और आप मिलकर इस मुतबर्रक जगह में अपनी हाजिरी को इबादत बनाने की नीयत से दरूद पाक का हदिया पेश करने की सआदत और दौलत हासिल करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बादरिल जूद वल करम व मंबईल इल्म वल हिकम व अला आलिहि व असहाबिहि व अहले बैतिहि व बारिक व सल्ली। हम सब की ये मुश्तरका खुशनसीबी सौभाग्य कि हम अल्लाह के एक वली के उर्स की मजलिस में शरीक हो रहे हैं और ये खुशकिस्मती अल्लाह तबारक व तआला के फजल से अता हुई है। कोई दौलत रख के चाहे कि यहां पहुंच जाए तब तक नहीं पहुंच सकता जब तक कि अल्लाह की मेहरबानी ना हो जाए। रुपया यहां तक नहीं पहुंचाता, जायदाद दौलत धन संपत्ति संपदा यहां तक नहीं पहुंचाती, उसका फजल पहुंचाता। उससे भी बड़ी बात यह है कि अगर कोई कहे कि मेरे पास नॉलेज है, इल्म है, हम आलिम है, हमने कुरान पढ़ा है, हमने हदीस पढ़ी है, वो भी यहां तक नहीं आ सकता जब तक कि कुरान और हदीस के पढ़ने का फायदा उसको नसीब ना हो जाए। मौलवी नहीं पहुंचता जब तक कि अल्लाह ताला उस पर मेहरबानी न कर, तब जाके वो अल्लाह के दोस्तों की डगर तक पहुंचता है। अगर किसी को बुरा लग रहा हो तो उसे फिर से एक बार तारीख के औराक को, इतिहास के पृष्ठों को एक बार फिर से पलटना चाहिए कि सरकार दो आलम सैयद लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जो लोग ईमान नहीं लाए, तवज्जो चाहता हूं, जो लोग ईमान नहीं लाए हुजूर के सामने, उनमें दो बड़ा तबका था ईमान नहीं लाने वालों का। एक दौलतमंदों का था,
अगर दौलत से नबी तक पहुंचना आसान होता तो कोई दौलतमंद नबी पर ईमान लाने से महरूम नहीं रहता। बिलाल जैसा गुलाम ईमान ले आया जिसके पास टूटी कौड़ी भी नहीं थी, लेकिन उसका आका ईमान नहीं लाए। और जो लोग ईमान नहीं लाए उनमें बड़ी तादाद उन लोगों की थी जो साक्षर थे, पढ़े लिखे थे, राजनीति भी जानते थे और कूटनीति भी जानते थे। अबू जहल जाहिल नहीं था, उसको अबू जहल कहने की वजह दूसरी है, वरना वो साक्षर था, पढ़ा लिखा था, बकरात आजम था, तो राजनीति भी जानता था, कूटनीति भी जानता था, वो दर्शन भी जानता था, वो किसी चीज से अनभिज्ञ नहीं था। सिर्फ एक चीज थी जिसका ज्ञान उसको नहीं था, और वो चीज क्या थी? अल्लाह के दोस्तों की मोहब्बत। यही वो चीज थी जिसकी दौलत का एक जर्रा, एक खतरा, एक कण भी उसे नहीं दिया गया। यही वजह है कि दौलत भी, ज्ञान भी, लेकिन वो जाहिल रहा। जाहिल किसे कहते? ये अबू जहल के नाम से समझ में आ गया। जानते जाहिल किसे कहते? जाहिल दुनिया तो उसे कहती जो अक्षर पहचान ना सके, उसको हम जाहिल कहते हैं। लेकिन दीन की जबान में जाहिल किसको कहते हैं? सीधा सीधा डेफिनेशन और परिभाषा याद रखिए, जिसे नबी दिखाई न दे, जिसे वली दिखाई न दे, वो जाहिल है। जाहिल कौन है? जिसे नबी दिखाई न दे, जिसे वली दिखाई न दे, वो जाहिल है। और जो उसमें ज्यादा मुखाती करे वो अबू जहल है ना। तो बात निकल के सामने आई कि आज जो लोग भी उर्स में आए हैं उनको धन दौलत नहीं लाई, उनको डिग्रियां नहीं लाई। कौन लाया है? अल्लाह लाया, अल्लाह का फजल लाया, अल्लाह का बख्शा हुआ जज्बा, जिसे शरीयत की जबान में तौफीक कहते हैं। तौफीक ना हो तो सब बेकार है, किसी काम का नहीं, और तौफीक हो जाए तो फिर क्या कर ले। तो ये जो आप आए हो, ये किस टिकट पर आए हो? रेलवे की टिकट और हवाई जहाज की टिकट? नहीं नहीं, अरे तुमको तौफीक की टिकट दी गई, तुम तौफीक के बुनियाद पर चल के आए, तुमको तौफीक लाई है ना। और तौफीक के बारे में अकीदे का एक जुमला सुन लो, अकीदे की किताबें मदरसे में पढ़ाई जाती हैं, यहाँ घोल के पिलाई जाती है ना। वही फर्क है मदरसे और खानकाह में। मदरसे में पढ़ाया जाता है, पढ़ते पढ़ते भूल गया, अब घोल के जिस चीज को पिला दिया जाए वो खून में चली जाती है। किसी चीज को हम इनहेल करें, खा ले, पी ले, सांस के जरिए ले ले, तो क्या होता है? पूरे खून की शरीयानों नसों में घुस जाती है वो चीज, और फिर वो जिस्म का हिस्सा बन जाती है। खानका वो है जो खिला देती है ताकि जिस्म से जुदा ना हो। पढ़ाना इसका काम नहीं है, इसका काम है पिला देना, खिला देना। इसीलिए खानकाहों का जो मिजाज है वो किसी और का हो ही नहीं सकता। तो बुजुर्गों, दोस्तों और अजीज, हम और आप जो यहाँ आए हैं तौफीक के बलबूते पर आए हैं, हमें तौफीक लाई है, और मेरे यहाँ आने का मकसद यही है कि हम कुछ ऐसा लुकमा शायद के हाथ से खा ले कि दुनिया उसको हमसे जुदा न कर सके। वो लुकमा मेरे शरीर का अंग बन जाए और मेरे रक्त में रक्त का कण बन जाए। जब कोई चीज खून में शामिल हो जाती है तो फिर क्या कहना है ना। एक चीज होती है साइंस के जमाने में जीन, जीन। खानकाहों में जीन का एक बिल्कुल अलग डेफिनेशन किया गया है। डीएनए का ना, डीएनए बहुत, अब तो सब लोग बोलने लगे, अब तो राजनीति में भी डीएनए का इस्तेमाल हो रहा है ना। जानते हो खानकाह में कौन सा डीएनए इस्तेमाल है? यहां वो डीएनए नहीं चलता जिसको साइंस डीएनए कहती है ना। अबू लहब का डीएनए कहां चला? बिलाल का डीएनए कैसे तय हो गया?
है ना। यहाँ मुरीद का डीएनए पीर तय करता है। जो मुरीद पीर में समा गया उसने पीर का डीएनए ले लिया। वो मुरीद ही नहीं है जिसका डीएनए पीर से ना मिलता हो, अब वो मुरीद है जिसका डीएनए पीर से मिल जाए, है ना। ये खानकाह का मिजाज है, इसको कहते हैं खानकाह। खानकाह उसे कहते हैं जो डीएनए बदल देती है, है ना। खानकाह उसका नाम है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान करीम में नूह अलैहिस्सलाम से तखातुफ फरमाता है, मुखातिब है अल्लाह सुब्हानहू तआला नूह अलैहिस्सलाम से। कब मुखातिब है? जब नूह अलैहिस्सलाम अपने वही की रोशनी में ये समझ रहे हैं कि अब तूफान आ रहा है, बारिश होने भी लगी, हवा तेज चलने भी लगी। तो अगर कभी बारिश हो जाए, हवा चलने लगे तेज तेज, आसमान में बादल आ जाए, तो आम नजरिया ये है कि लोग समझते हैं मौसम अच्छा हो गया, मौसम खुशगवार हो गया, सेलिब्रेट करने का वक्त आ गया, इंजॉय करने का वक्त आ गया, चार्मिंग मौसम हो गया। लेकिन ये सब अनुमान है, ये सब गुमान है। हम गुमान कर रहे हैं कि मौसम अच्छा हो गया, हम नहीं जानते कि बादल के पीछे क्या है, इस मौसम के पीछे क्या है, है ना। याद है आपको समुद्र में जब लोग नहा रहे थे तो समुद्र की लहरें उठ रही थी, तो नहाने वाले समझ रहे थे कि हम तो इसीलिए आए इनको देखने, इन लहरों को। किसी को नहीं मालूम था कि इन लहरों के पीछे सुनामी छिपी हुई है, हंसते खेलते उन लहरों का लुकमा बन गए, किसी को नहीं मालूम। तो नबी किसको कहते हैं जानते हो? वली किसको कहते? नबी और वली उसको कहते हैं जो लहरों के पीछे छुपी हुई सुनामी को जानता है। नबी और वली लहरों के पीछे छुपी हुई सुनामी को जानता है। चुनांचे नूह अलैहिस्सलाम जान रहे थे कि ये जो फुहार पड़ रही है इस फुहार का नतीजा क्या होने वाला है, और ये जो हवाएं चल रही है इन हवाओं के पीछे कौन सी जानलेवा हवा छिपी हुई है। चुनांचे जब उनका अपना बेटा इतराता हुआ निकला और आगे बढ़ा तो नूह अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, बेटा कहां जाते हो? इधर आओ, इधर आओ। कहा अब्बा मौसम अच्छा हो गया, जरा एंजॉय कर। तो कहां जा रहे? जरा जा रहे सामने के पहाड़ पर चल के बैठे और वहां से इस मंजर को देखेंगे, लुत्फ लेंगे, मजा लेंगे, है ना, अच्छा लगेगा देखने। आपने कहा बेटा कभी सुना हो या ना सुना हो मेरी बात, आज तो सुन ले, तेरा बाप नबी भी है और नबी को हवाएं बता देती हैं कि आपके कार्य नबूवत में मेरा क्या मकसद है, हम क्यों आए हैं आपकी गली। हवाओं को कह दिया गया है कि नबी के दरवाजे पर बगैर इजाजत के मत जाया करो, और जब जाया करो तो अपने आने का मकसद बयान कर दिया करो। और नबी के सद्दे में वली की चौखट पर भी सरकारे गौसपाक फरमाते हैं, हर दिन का सूरज तुलू होने से पहले मुझको सलाम करता है और अर्ज करता है कि आज मेरे साथ ये कजा व कदर आ रहे हैं, और हर महीना मुझको सलाम कर जाता है। ये उसको समझ में नहीं आता जिसको नबी समझ में नहीं आता, और जिसको नबी की नबूवत का कुछ भी पता चल गया है वो वली को देखकर समझ जाता है कि वली नबी का परतव है। सूरज की रोशनी में गर्मी होगी, और अगर सूरज की रोशनी से गर्मी लेने का शऊर है तब ना सूरज की हैसियत समझ में आए। तो वली को समझना है। तो नूह अलैहिस्सलाम कह रहे कहां जा रहे हो बेटा, ये अजाब है जिसको तुम सवाब समझ रहे हो, ये अजाब है, ये सवाब नहीं है, ये हवा बदल जाएगी, ये हवा अपने पीछे तूफान रखती है, ये पानी अपने पीछे सैलाब रखता है। उसने हंस के कहा आप बूढ़े हो चुके हैं, है ना, जैसा जवान अपनी जवानी के खुमार में बूढ़ों को कभी कभी कह दे सिटी आ गए, तो नहीं आपको समझ में आता, आप तो ठीक से
आसमान का रंग भी नहीं देख पाई, अगर हमसे पूछना हो, हम आसमान का रंग देख रहे हैं, बेटा क्या गजब कर रहे हो, मत जाओ मत जाओ मत जाओ बेटा, इतना हम चला। जब वो चला गया तो नूह अलैहि सलाम को अपने बेटे के तरफ तवज्जो हुई, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाया, एक परवरदिगारा रहम कर दे, बेटा है मेरा, अच्छा मैं जो चाहता हूं, ये जो आप जमा हो गए हो इस खानकाह में, इस खानकाह से आपका रिश्ता क्या है ये मैं समझा रहा हूं, अच्छी तरह समझ लो, दुनिया में दूसरा कोई इदारा ऐसा नहीं, ये वाहिद अकेला इदारा है, एकमात्र सिंगल वन पीस, कोई दूसरा इदारा ऐसा नहीं, कि आपका रिश्ता उसी रिश्ते को मैं समझा रहा हूं, कि नूह अलैहि सलाम ने अपने बेटे के लिए हाथ उठाया, परवरदिगारा नादान है, बेवकूफ है, ना हंजार है, समझ नहीं रहा, मेहरबानी करके के समझ जाए, वापस पलटा, वो अल्लाह का जवाब सुनो, डीएनए की बात मैंने कही थी, वो अल्लाह का फरमाता इन्नहु लैसा मिन अहलिक, इसका डीएनए वो नहीं है जो आपका है, तर्जमा देखिएगा, इन्नहु लैसा मिन अहलिक, आपका डीएनए अलग है, उसका डीएनए अलग है, जिसका डीएनए मिल जाएगा वही कश्ती पर चढ़ेगा, कश्ती को वो चढ़ ही नहीं सकता है जिसका डीएनए मिल लगता है ना, मुरीद वो है जो अपने डीएनए को पीर का डीएनए बना देता है, और पीर के डीएनए से अपना डीएनए तामीर करता है, और फिर उसको औलाद पर फौकियत हो जाती है, औलाद कोई चीज नहीं है, मुरीद औलाद है, खानका वो है जो नया नसबनामा देती है, नया नसबनामा, नया नसबनामा देती है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बेटे को उतना कोई नहीं जानता जितना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी को जानता है, आपका असली बेटा तो कुतुब है, कुतुब बख्तियार काकी है जिसने उनके सिलसिले को कहां से कहां पहुंचा, तो ख्वाजा कुतुब का बेटा कौन है, बाबा फरीद है ना, ये हम नहीं कह रहे, अगर तुमने पीरों के मक्तूबात मुताला किए हो तो एक पीर जब अपने मुरीद को खत लिखता है तो लिखता है फरजंदम मेरा बेटा मेरी जान है ना, नूरे नजरे मन मेरी आंखों का नूर है ना, ये पीर लिख रहा है मुरीद को, चाहे लिख रहा, इसलिए आप जब मुरीद होके वो मुरीद की तमाम जिहतों को पूरा कर रहा है तो दरअसल औलाद वो है, इसीलिए एक वली का भी कौल सुन लो और कुरान का भी एक टुकड़ा सुन लो, हजरत सैयदना अबू नजीब सोहरावर्दी शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी के पीर हैं, सिलसिले सोहरावर्दिया के इमाम हैं, और उन्होंने एक नहायत उम्दा किताब अरबी जबान में लिखी है आदाबुल मुरीदीन, नहायत उम्दा, उसकी शरह की है मखदूम साहब शरह आदाबुल मुरीदीन के नाम से, आदाबुल मुरीदीन में एक जगह हजरत अबू नजीब सोहरावर्दी लिखते हैं मन सला का तरीकी फहवा वलदी, जो मेरी राह पर चलता है वही मेरी औलाद है, औलाद वलदी कहा, वलदी जो अरबी जानते हैं वो खूब जानते हैं कि वलद का क्या माना है, लम यलिद वलम यूलद जिसके समझ में आ गया वो इस वलदी को समझ जाए, है ना, वलदी जो मेरी राह चला वो मेरी औलाद है ना, और कुरान में भी हज़रत इब्राहिम का एक जुमला जरा सा लफ्जी तगय्युर के साथ मन इत्तबअनी फहुवा मिन्नी, जो मेरी इत्तबा करे वो मुझसे है, उसका डीएनए मुझसे है, तो बुजुर्गो दोस्तों और अजीजों आज जो आप खानकाह में जमा हो याद रखो एक घर वो है जिसके लिए आप अल्लाह न करे कभी लड़ने की नौबत आए, मेरा हिस्सा है, हम भाई हैं, हम बेटा है ना, वो हिस्सा भी तुमसे छिना जाएगा, कब्र में लेके नहीं जाओगे, लेकिन यहाँ से जो हिस्सा मिलेगा वो कब्र में भी जाएगा हशर में भी जाएगा, कब्र में भी जाएगा और हशर में भी जाएगा, है ना, मुरीद कहता देखो मेरा कुछ दीजो मत दीजो, मेरे पीर का शिंगड़ा जरूर दीजिए, है ना, मेरे पीर का शजरा जरूर दे, चाहे मकान लेते जाओ, चाहे अब्बा वाला नौकरा लेते जाओ, पेटी ना ले जाओ, ये
तोशक में ले जाओगे, बड़ी लड़ाई लड़े 60 बरस मुकदमा लड़े वो भी दे देगा, ना पीर वाला शजरा दे, है ना। ये औलाद वो है कि यहाँ से जो हिस्सा मिलता है वो खबर में भी जाता है, हजरत में भी जाता है। ये खानकाह है ना, कोई आया उसके लिए यहाँ जगह है। तो बुजुर्गो दोस्तों और अजीजों, आज एक बड़ा अहम सवाल है कि कभी कभी लोग आपसे कहेंगे कि खानकाहों में फर्ज सुन्नत छोड़ के सब क्या क्या सिखाते रहते हैं। फर्ज सुन्नत का सिखाना चाहिए, फर्ज क्या है, सुन्नत क्या है, मुस्तहब क्या है, नफिल क्या है, शरीयत की इस्तेमाल, शरीयत की टर्मिनोलॉजी, शरीयत किसी जबान में बात करती है, ये फर्ज है, ये वाजिब है ना, ये नफिल है, ये मुस्तहब है, ये मकरूह है। खानकाह में ये सब बताते ही नहीं, क्या 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 बताते रहते हैं। जानते हो फर्ज बनता कैसे, किसको फर्ज कहे? किसी चीज को अगर हमने फर्ज कहा, मान लीजिए कोई कहे नमाज फर्ज है भाई नमाज फर्ज, लेकिन नमाज फर्ज कैसे बनी? हज फर्ज है तो फर्ज कैसे बना? ज़कात निकालना फर्ज है तो ये फर्ज कैसे बना? किसी चीज के फर्ज होने का उसूल, कायदा, फॉर्मूला क्या है? जानते हो क्या? अल्लाह ताला ने कुरान में जिस चीज को हुक्मिया सेरे में कहा ये करो, जहां अल्लाह ने कहा ये करो, तो वो चीज बंदों के लिए फर्ज हो गई। ये फर्ज का उसूल है, कुल्लिया है, कि कोई चीज फर्ज कैसे बनेगी? तब बनेगी जब अल्लाह का हुक्म खोज के कोई दिखला दे कि देखो अल्लाह ने यहां पर कहा है वो अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, इसी जुमले ने नमाज को फर्ज कर दिया। वातु ज़का, ज़कात निकालो, ज़कात को फर्ज कर दिया, है ना। ऐसे फर्ज बनता है ना। देखिए ना, सब फर्ज छोड़ के पीरी मुरीद भी कर दिया। कहां जा रहे? पीर के पास जा रहे। तुम कहां जा रहे? मुरीद होने जा रहे। तुम कहां जा रहे? पीर आए हुए हैं उनके पास जा रहे। फर्ज फर्ज में लगो, ये सब काम में कहे पड़ा। कहते हैं ना, बोलते हैं, आपसे भी बोलते हो, कभी आपसे डायरेक्ट बोलते हो, कभी इनडायरेक्ट हवा में फेंकते हो, है ना। आजकल ये भी एक तरीका है कि हवा में किसी चीज को फेंक दिया और कहने वाला कहता जिसका दाना होगा अपना चुम लेगा। ये आदमी को जानवर बना रहे, है ना। जिसका दाना होगा वो चुम लेगा, है ना। तो आप क्या कहिए? आपको तो जवाब देना। ये जो